नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड और आज यहाँ पे मेरे पास एक तगड़ा वाला ऑडियो प्रोडक्ट है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो इसका मूल्य क्या होगा उसका आइडिया मुझे नहीं है, परंतु इतना कह सकता हूँ कि Realme Buds Air 3 Neo में जो म्यूजिक क्वालिटी हमें मिली ना, वो बहुत कमाल की है। इसमें टोटल 30 घंटे का प्ले टाइम बताया गया है, 10mm डायनेमिक बेस ड्राइवर, AI ENC नॉइस कैंसिलिंग फॉर कॉल्स, 10 मिनट चार्ज करेंगे तो 2 घंटे तक का प्ले टाइम मिल सकता है, 88 मिलीसेकंड की सुपर लो लेटेंसी भी है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, Dolby Atmos भी सपोर्टेड है, डिब्बे में ये मिल जाता है, यूजर मैनुअल है, पढ़ सकते हैं इसे आप, टाइप ए2 टाइप सी केबल और ये 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टेप, ये बड़े वाले हैं, ये छोटे वाले हैं, मीडियम वाला इसमें लगा हुआ है। यदि मैं डिजाइन एंड बिल्ड की बात करता हूँ ना, इसमें हल्का सा डुअल टोन दिया गया है, ये वाला जो केस है ना हल्का स्लाइटली ट्रांसपेरेंट है और ये पूरा डार्क है, वैसे ये मैट फिनिश साथ आता है, टाइप सी पोर्ट है, ये वाला जो बॉर्डर लाइन है ना, मतलब ऐसे देख के काफी सही लगता है, ये ग्रीन नोटिफिकेशन LED मिल जाती है। जब इस केस की बैटरी 20% से ऊपर रहेगी तो ये हरी रहेगी, ग्रीन रहेगी, और 20% से नीचे आ जाएगी ना तब ये रेड हो जाएगी। वैसे यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना तो वो लाल वाला बटन ग्रे हो जाता है, और वीडियो को लाइक करेंगे तब भी थोड़ा रंगीन सा दिखता है तो कर दीजिए। और ये इसके ईयरबड्स हैं, इस तरफ तो मैट फिनिश मिलती है और स्टेम में पीछे की तरफ ना ये ग्लॉसी फिनिश है, ये पूरा टच एरिया है। अब इनमें IPX5 रेटिंग मिलती है तो स्वेट हो या फिर स्प्लैशेस हो उन्हें झेल जाएगा, और इनको जब आप टच करते हैं ना तो एक फीडबैक का साउंड आता है कि आपका टच हुआ है, तो मिस टच होने से बच जाता है। ये 2 बार टाइप करेंगे 2 बार टुक टुक का साउंड आएगा, 3 बार करेंगे 3 बार आएगा। अभी वाला फीचर थोड़ा महंगे वाले ईयरबड्स में मैंने देखा है और इसमें मिलता है तो अच्छी बात है। साथ ही इसमें वॉल्यूम कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेफ्ट वाले को ऐसे प्रेस एंड होल्ड करते हैं ना तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, राइट वाले को प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वैसे मेरे पास इसका बड़ा भैया Realme Buds Air 3 भी है। अब इस वाले की साउंड क्वालिटी हो गई या फिर ANC हो गया, कॉल क्वालिटी हो गई, सब काफी कमाल की है। ये वाला 4000 रुपए का है, तो आशा करता हूँ कि इसका जो प्राइस रहेगा ये इसकी तुलना में तो कम रहेगा। एक बार कनेक्टिविटी टेस्ट कर लेते हैं, मेरा इस फोन से पेयर्ड है ऑलरेडी, डिब्बी ओपन किया, कनेक्ट हो गए। हाँ, इसमें गूगल फास्ट पेयर नहीं मिलता। अब यदि आपने एक फोन से पेयर कर रखा है इसे ऑलरेडी और दोबारा से पेयरिंग मोड में जाना है ना, तो दोनों ईयरबड्स को प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा एक साथ 5 सेकंड के लिए, फिर ये पेयरिंग मोड में चले जाएंगे। बाकी रियलमी और डीजो के ऑडियो प्रोडक्ट्स में एक अच्छी बात और होती है कि ये रियलमी लिंक एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करते हैं, तो कुछ चीजें आप यहां से ट्विक कर सकते हैं, जैसे कि 3 इक्वलाइजर प्रीसेट मिलते हैं ना, चूज कर सकते हैं, वॉल्यूम इनहेंसर यूज कर सकते हैं, गेम मोड यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, बाकी बटन सेटिंग्स है तो आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कस्टमाइज कर रखा है कि लेफ्ट राइट ईयरबड्स को 2 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो गेम मोड में ये चले जाएंगे, बाकी बैटरी परसेंटेज तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ऐसे लगाया, पहली बात तो फिटिंग वुटिंग सही है, कंफर्ट से मुझे कोई समस्या नहीं लगी। इसमें जो बेस बूस्ट प्लस वाला प्रीसेट मिलता है भाई, बहुत कमाल का साउंड आता है इसमें, तो अभी इसे लगा लेते हैं, दोनों को प्रेस एंड होल्ड करते हैं, गेम मोड में चले गए। तो भाई गेम मोड ऑन करके कैजुअल गेमिंग आप इजीली कर सकते हैं, और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे और वो सब भी किया, तो यहाँ पे कोई भी ऑडियो वीडियो का डीसिंक नहीं दिखा। म्यूजिक क्वालिटी की बात करते हैं तो 10mm के ड्राइवर मिल जाते हैं इसमें भाई, AAC ऑडियो कोडेक सपोर्टेड है। यदि मैं एक लाइन में बोलूँ ना, तो म्यूजिक क्वालिटी इन वाले ईयरबड्स की अमेजिंग लगी मुझे। मैंने बहुत से TWS देखे हैं जो कि बेस तो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, परंतु उस चक्कर में क्या है कि हाई फ्रिक्वेंसीज या फिर कहें ट्रेबल फ्रिक्वेंसीज को किल कर देते हैं, परंतु ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिला। वेल बैलेंस्ड साउंड एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है, ट्रेबल फ्रिक्वेंसी भी मैं सुन पा रहा हूँ, वोकल्स भी एकदम क्रिस्प हैं और बेस भी बहुत कमाल का है। बाकी हाँ, इसमें ईयर डिटेक्शन वाला फीचर नहीं मिलता। मैंने इसका कॉलिंग टेस्ट भी किया था, आउटडोर भी जाके, इंडोर में भी, सामने वाले को आपकी आवाज एकदम क्लियरली सुनाई दे जाएगी, यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं लगी। ENC मिलता है इसमें, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, तो वो आपके आसपास के शोर को ना अच्छे से कैंसिल कर लेता है। अभी आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये Realme Buds Air 3 Neo से आ रही है, यहाँ पे मैं घर के अंदर से बात कर रहा हूँ तो कॉल क्वालिटी का थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। और अभी मैं आउटडोर आ चुका हूँ यहाँ पे पार्क के पास, और यहाँ पे हवा भी चल रही है, कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं, तो यहाँ से कॉल क्वालिटी किस तरह से हो पाएगी उसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। इसके अलावा भी मैंने टेस्ट किए थे प्रैक्टिकली यूज करके, तो सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं हुई मेरी आवाज सुनने में। हाँ, कॉल क्वालिटी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी मैंने देखा तो इसकी प्राइसिंग भी आ चुकी है, इसको प्राइस किया गया आई थिंक 1999 रुपए में, और स्पेशल ऑफर के तहत आप इसे 1699 रुपए में भी परचेस कर सकते हैं, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई इस प्राइस पे मैं इसे बेस्ट साउंडिंग TWS कह सकता हूँ अभी तक जो मैंने यूज करें। जैसे बैटरी की मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि केस के साथ 30 घंटे का बैटरी क्लेम करती है रियलमी, और ईयरबड्स यदि एक बार फुल चार्ज हो जाते हैं तो 7 घंटे तक का प्ले टाइम दे सकते हैं। अब अभी तक मैंने भाई साहब 7 घंटे लगातार तो सुन के नहीं देखा, परंतु बैटरी लाइफ अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ANC नहीं मिलता। होता ना जिसमें ANC मिलता है, ANC मोड में आप यूज करते हैं तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। अब यहाँ पे ट्विटर पे आपके कुछ प्रश्न थे तो उसका भी उत्तर दे देता हूँ। मैंने भी जस्ट बताया कि इसमें ANC नहीं मिलता, एक्टिव नॉइस
कैंसिलिंग फीचर नहीं है इसके अंदर। तो भाई इस चीज को हम टेस्ट कर लेते हैं। ये Redmi का फोन है, Redmi K50i, और यहाँ पे हम साउंड इफेक्ट में जाते हैं ना, डॉल्बी एटमॉस को ये सपोर्ट करते हैं और प्रीसेट्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, साथ में ग्राफिक इक्वलाइजर भी कार्य करते हैं इसमें, मैंने टेस्ट कर लिया है। तो परीक्षण करने के पश्चात हमने पाया कि भाई इसमें जो डॉल्बी एटमॉस के इक्वलाइजर्स हैं वो Redmi के फोन में भी चल रहे हैं। तो ये डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, परंतु आपके फोन में भी डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट होना चाहिए। तो टेक टू पुष्पा भाई, मैंने इससे मार्केट में जाके इसे कॉल टेस्ट नहीं किया, परंतु बाहर पार्क है वहां पे टेस्ट किया था। वहां पे बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं, बहुत अच्छा खासा शोर होता है और कॉल क्वालिटी में कोई समस्या नहीं लगी, एकदम क्रिस्प कॉल क्वालिटी मिली हमें। दोस्तों जितना हो सका हमसे हमने सब कुछ टेस्ट करके परीक्षण करके आपको दिखाया इस वीडियो में, परंतु यदि फिर भी कुछ प्रश्न हो आपके तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनवाएं भाई, YouTube से बात करके कमेंट कर सकते हैं। ये Realme Buds Air 3 Neo ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में मुझे क्लोज टू परफेक्ट लगे, बाकी चीजें प्राइसिंग पे डिपेंड करेंगे। वैसे प्राइसिंग इसकी क्या रहती है और कैसा रहेगा उस प्राइसिंग पे, ये मैं आपको पिंड कॉमेंट में बता दूंगा, तो पिंड कॉमेंट चेक कर सकते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, हमारे प्रयास आपको अच्छे लगे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको कहना हो हमसे। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।